अंबे कैसेट के माध्यम से भजन गायक प्रेम प्रकाश दुबे आप सबको भगवान श्री राम की तपस्थली चित्रकूट की कथा सुनाता हूँ। चित्रकूट की मंगलकारी हो, चित्रकूट की मंगलकारी भक्तों कथा सुनाते हैं। चित्रकूट की मंगलकारी भक्तों कथा सुनाते हैं। भवबंधन से मुक्त हुए जो चित्रकूट में आते हैं, भवबंधन से मुक्त हुए जो चित्रकूट में आते हैं। ये चित्रकूट की धरती सबका कल्याण है करती, ये चित्रकूट की धरती सबका कल्याण है करती। सब सोच विमोचन चित्रकूट कलिहरन करन कल्याण बूट, सुचि अवनि सुहावनि आल बाल कानन विचित्र बारी विशाल। रस एक रहित गुण कर्म काल, सिय राम लखन पालक कृपाल। तुलसी जो राम पद चहिए प्रेम से, ये गिरि करि निरुपाधि नेम। तुलसीदास जी इसी धरा पे हो, तुलसीदास जी इसी धरा पे राम का दर्शन पाते हैं। भव बंधन से मुक्त हुए जो चित्रकूट में आते हैं, भव बंधन से मुक्त हुए जो चित्रकूट में आते हैं। ये चित्रकूट की धरती सबका कल्याण है करती, ये चित्रकूट की धरती सबका कल्याण है करती। प्रेमी जनों, चित्रकूट की पावन धरती तपोभूमि है। भगवान श्री राम की बिहार लीला चित्रकूट की धरती पर हुई। यह वह धरती है जहां ऋषि मुनियों ने हजारों वर्षों तक तपस्या की। यह वह भूमि है जो सदैव वेद मंत्रों से आप्लावित रही है। यज्ञ भूमि के रूप में इसकी प्रतिष्ठा अनंत काल से चली आ रही है। जहां विश्व कल्याण के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को स्वयं आना पड़ा, विपत्ति के समय उन्हें भी शरण मिली तो इसी चित्रकूट में। रहीम दास जी का ये दोहा आप सब देखें। चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा परत है सुआवत यही देश। नैसर्गिक सुषमा संपन्न चित्रकूट धाम भारत का प्राचीनतम आध्यात्मिक तीर्थ एवं वीतरागी महात्माओं की तपोभूमि है। अयोध्या में भगवान श्री राम की संस्कार लीला, मिथिला में भगवान श्री राम की श्रृंगार लीला, चित्रकूट में भगवान की बिहार लीला और लंका में भगवान श्री राम की संहार लीला। चित्रकूट हर समय अच्छा लगता है, परंतु वर्षा ऋतु में यहाँ की शोभा और भी अधिक बढ़ जाती है। यहाँ पर स्वयं विधाता ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया था। ऋषियों की ये तपोभूमि है, तप बल से है भरी हुई,
वेद मंत्र की पावनता से यज्ञ भूमि ये तरी हुई। यहाँ विधाता यज्ञ किए हैं, रामचंद्र वनवास किए, वेदों की ये जन्मभूमि है, संत सदा विश्वास किए। चित्रकूट है स्वर्ग धरा का, चित्रकूट है स्वर्ग धरा का, यही पुराण बताते हैं। भाव बंधन से मुक्त हुए जो चित्रकूट में आते हैं, भाव बंधन से मुक्त हुए जो चित्रकूट में आते हैं। ये चित्रकूट की धरती सबका कल्याण है करती, ये चित्रकूट की धरती सबका कल्याण है करती। भारत की संस्कृति अरण्य संस्कृति रही है भक्तजनों, वनों में ही ऋषियों के गुरुकुल हुआ करते थे। ऋषि माताएं थी, ऋषियों के बालकों ने जन्म लिया, यही ज्ञान के आधार वेदों का जन्म हुआ। यह वही चित्रकूट है जहां तीन देवों को चंद्रमा, दत्तात्रेय तथा दुर्वासा के रूप में जन्म लेना पड़ा। यह वही पावन भूमि है जहां राजा नल तथा युधिष्ठिर आदि का घोर कष्ट दूर हुआ, उन्हें इसी धरती पर आना पड़ा था। महर्षि अत्रि की पत्नी अनसुईया के नाम से भला कौन परिचित नहीं है। चित्रकूट विंध्याचल पहाड़ी का एक शिखर है। इसी चित्रकूट का एक अंग त्रिकूट पर्वत भी है जो मैहर में है। इस त्रिकूट के शिखर पर ज्ञान और शक्ति की देवी माँ शारदा विराजमान हैं। चित्रकूट की रमणीयता का वर्णन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने अपने श्रीमुख से स्वयं किया है। माता सीता को पहाड़ों का अवलोकन कराते समय भगवान श्री राम ने कहा, सीते चित्रकूट के पर्वत खनिजों से हैं भरे हुए, लहू समान लाल है कोई रजत रंग कुछ खड़े हुए। कुछ मजीठ के रंग लग रहे कोई पीला रंग भरा, कुछ अस्फटिक मणि सा लगते इंद्र मणि सा कोई खड़ा। तारे पारे के रंग कोई हो, तारे पारे के रंग कोई, पुष्प राग सब गाते हैं। भाव बंधन से मुक्त हुए जो चित्रकूट में आते हैं, भाव बंधन से मुक्त हुए जो चित्रकूट में आते हैं। ये चित्रकूट की धरती सबका कल्याण है करती, ये चित्रकूट की धरती सबका कल्याण है करती। भक्तजनों, नाना प्रकार के रंग बिरंगे फूल प्रकृति की गोद में खिले हुए हैं। विविध प्रकार के पक्षी कलरव करते हैं। यहाँ सिंह, मृग और तरह तरह के जीवों से ये चित्रकूट का वन हरा भरा हुआ है। छोटे छोटे खेतों में जैसे धान की फसल लहराती है, वैसे ही चित्रकूट के पर्वतों पर हरियाली लहरा रही है। मंदाकिनी की शीतल जलधारा कल कल करती हुई बह रही है। शीतल सुगंधित समीर यहाँ के वातावरण को सुरम्य बनाए हुए है। भगवान श्री राम सीता जी से कहते हैं, भद्रे देखो ये चित्रकूट कितना मनोहर है, यहाँ मन को कितनी शांति मिलती है। गोस्वामी तुलसीदास की कवितावली देखिए, जहाँ बन पावनो सुहावने विहंग मृग, देखी अति लागत आनंद खेत खूंट सो, झरना झरत झारी शीतल पुनीत बारी, मंदाकिनी मंजुल महेश जटा जूट सो, तुलसी जो राम सो, सनेह साचो चाहिए तो
से ये स्नेह सो विचित्र चित्रकूट सो। चित्रकूट की रमणीयता का बखान किसने नहीं किया है। भगवान श्री राम जी सीता माता और भ्राता लक्ष्मण के साथ जब चित्रकूट में प्रवेश करते हैं तो वाल्मीकि आश्रम पहुंचने से पहले उनका मन चित्रकूट की छटा देखकर मोहित हो जाता है। देखत बनसर सैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। राम देख मुनि बास सुहावन, सुंदर गिर कानन जल पावन। सरन सरोज बिटप बहु भूले, गुंजत मंजु मधुप रस भूले। खग मृग विपुल कोलाहल करही, विरहित बैर मुदित मन चरही। तुलसी बाबा के संग मिलके हो, तुलसी बाबा के संग मिल इस धरा की महिमा गाते हैं। भाव बंधन से मुक्त हुए जो चित्रकूट में आते हैं। भाव बंधन से मुक्त हुए जो चित्रकूट में आते हैं। ये चित्रकूट की धरती सबका कल्याण है करती। महर्षि वाल्मीकि जैसे त्रिकालज्ञ को भी इसी भूमि में तपस्या करनी पड़ी। भव भुवंग तुलसी नकुल, दसत ज्ञान हरि लेत। चित्रकूट एक औषधि, चितवत होत सचेत। कितने सुंदर और अर्थ गर्भित शब्दों में बाबा ने लिखा, चित्रकूट की महिमा बताई। संसार रूपी सर्प तुलसीदास रूपी नेवले को डसते हैं, उसका सारा ज्ञान हरण कर लेता है, परंतु चित्रकूट एक ऐसी औषधि है कि उसकी ओर देखते ही वह पुनः सचेत हो जाता है। ये चित्रकूट की महिमा। चित्रकूट में श्री राम जी ने जब प्रवेश किया तो पथरीली धरती कोमल हो गई। ऐसे ही जब भरत जी श्री राम जी को वापस लाने के लिए चित्रकूट गए तो उन्होंने वन भ्रमण की इच्छा जाहिर की। तब भरत जी वन में भ्रमण करने लगे तो कुशा कांटों से भरी हुई पथरीली धरती एक बार फिर संकोच से भर गई और भरत जी के सारे रास्तों पर वह इतनी कोमल हो गई कि गीली मिट्टी सी लगने लगी। रघुनंदन से बंधु भरत जब चित्रकूट मिलने आए, चित्रकूट बन चले देखने धरती मन में सकुचाए। कोमल हुई धरा पथरीली, गीली मिट्टी सी लगती। सारे पथ को सरल कर दिया चित्रकूट की ये धरती। चित्रकूट को देख भरत जी हो, चित्रकूट को देख भरत जी आनंदित हो जाते हैं। भाव बंधन से मुक्त हुए जो चित्रकूट में आते हैं। भाव बंधन से मुक्त हुए जो चित्रकूट में आते हैं। ये चित्रकूट की धरती सबका कल्याण है करती। भक्तजनों, चित्रकूट की महिमा भी हरि अनंत हरि कथा अनंता जैसी है। कोमल चरण चलत बिनु पनही, भय मृदु भूमि सकुचि मन मनही। महिमंजुल मृदु मारग कीन्हे, बहत समीर त्रिविध सुख लीन्हे। मृग बिलो की खग बोली सुबानी, से वही सकल राम प्रिय जानी। पुण्य जलाश्रय भूमि विभागा, खग मृग तरु त्रिन गिरि बन बागा।
चारु विचित्र पवित्र विशेखी, बूझत भरत दिव्य सब देखी। देखे थल तीरथ सकल भरत पांच दिन माझ, कहत सुनत हरि हर सुजसु गयउ दिवस भई सांझ। भरत जी ने इसी तरह चित्रकूट के वन का पांच दिनों तक भ्रमण किया। वही पांच दिनों की परिक्रमा का क्रम प्रारंभ हुआ जो आज तक चला आ रहा है। जब श्री रामचंद्र जी यहाँ आए और यहीं निवास करने लगे, उसी समय से चित्रकूट की प्रकृति का रंग बदल गया। पेड़ पौधे झरने वनचर सिंह मृग हाथी, यहाँ तक कि कीट पतंगे भी सभी राममय हो गए। सब में प्रेम की ज्योत जलने लगी, प्रकृति भक्तिमय हो गई, भांति भांति के फूल खिलने लगे। आमों के पेड़ों में मंजरी महकने लगी। गज मृग सिंह श्रृगाल लोमड़ी एक दूजे के मित्र हुए, मंदाकिनी घाट पे आके एक साथ सब नीर पिए। नदी पुनीत पुराण बखानी, अत्र प्रिया निज तप बल आनी, सुर सर धारनाउ मंदाकिन जो सब पातक पोतक डाकिनी। मायापति की इस माया से हो, मायापति की इस माया से मुनि भ्रम में पड़ जाते हैं। भाव बंधन से मुक्त हुए जो चित्रकूट में आते हैं, भाव बंधन से मुक्त हुए जो चित्रकूट में आते हैं। ये चित्रकूट की धरती सबका कल्याण है करती, ये चित्रकूट की धरती सबका कल्याण है करती। भक्तजनों, चित्रकूट की सुंदरता और उसकी महिमा का वर्णन शब्दों में करना कठिन है। गोस्वामी जी की लेखनी ने तो इसे धरती का स्वर्ग ही बना डाला है। सचमुच प्रकृति की गोद में चित्रकूट एक अद्वितीय निधि है। भांति भांति के फूल खिल रहे, वृक्ष फलों से झूम रहे, लहरा उठी लताएं वन में केर बेर को चूम रहे। सृष्टि के रचनाकार ने चित्रकूट की रचना में कोई कमी नहीं की। इसी चित्रकूट के अंदर सारे तीर्थ आकर समा गए हैं। महर्षि वाल्मीकि द्वारा बताए गए 14 स्थान और फिर चित्रकूट में वास करने का आग्रह। महर्षि वाल्मीकि के शब्दों में, कलयुग ने समस्त संसार में अपना जाल बिछा दिया है, पर प्रभु श्री राम की कृपा से चित्रकूट इस जाल से मुक्त है। मनुष्य जब तक चित्रकूट के शिखरों का अवलोकन करता रहता है, तब तक वह कल्याण मार्ग पर चलता रहता है। उसका मन मोह में नहीं फंसता। बहुत से ऋषि मुनि यहाँ सैकड़ों वर्ष तक आकर भगवान शिव के साथ विहार कर अंत में तपस्या के द्वारा स्वर्ग चले गए। प्रभु श्री राम के आने पर चित्रकूट का वर्णन गोस्वामी जी ने बहुत ही सुंदर किया है। फूल ही फल ही बिटप विधि नाना, मंजु बलित बर बेली बिताना, कुंज मंजु तर मधुकर श्रेणी, त्रिविधि बयारी बहई सुख देनी। के हरि कपि कोल कुरंगा, विगत बैर बिचरहि सब संगा, सब सर सिंधु नदी नद नाना, मंदाकिनि कर करहि बखाना। इस पावन धरती की महिमा हो, इस पावन धरती की महिमा सभी ग्रंथ मिल गाते हैं। भाव बंधन से मुक्त हुए जो चित्रकूट में आते हैं, भाव बंधन से मुक्त हुए जो चित्रकूट में आते हैं। ये चित्रकूट की धरती सबका कल्याण है करती, ये चित्रकूट की धरती सबका कल्याण है करती। भक्तजनों,
चित्रकूट की सुंदरता आपने देखा। आप सोचिए, स्वयं भगवान श्री राम जी ने अपने 14 वर्ष के वनवास में 12 वर्ष तक इसी पावन धरती पर व्यतीत किया। मृत्युलोक में ब्रह्म नरलीला करने आया था, इसीलिए भगवान राम का प्रत्येक व्यवहार मनुष्य के रूप में मनुष्यों जैसा था। उन्हें चित्रकूट की सुंदरता नहीं, चित्रकूट की पावनता आकर्षित कर रही थी। यही वो जगह है जहां साक्षात भगवान राम की सैया आज भी विराजमान है। यही वो जगह है जहां विष्णु रूप में एक बार पहले भी भगवान का आगमन हो चुका है। यहां मुनि अत्रि और उनकी पत्नी अनुसुईया का आश्रम है। सती अनुसुईया का तपबल तीनों लोकों में विख्यात है। अनुसुईया के ही तपबल से पाताल लोक से मंदाकिनी गंगा का मृत्यु लोक की धरती चित्रकूट में आविर्भाव हुआ। अकाल के कारण भूख प्यास से पीड़ित मानवता का कल्याण करने वाली अत्रि प्रिया ने इस पाताल गंगा को पृथ्वी पर लाकर नया जीवन दिया। आइए सती अनुसुईया के तपबल की कहानी सुने। एक बार ब्रह्मा विष्णु शिव मिलके हृदय विचार किए, चलो परीक्षा ले नारी की जो तप वर्ष 1000 किए। सन्यासी का रूप पकड़ के अनुसुईया के द्वारा आए, बोले हम तीनों योगी को देवी भोजन करवाए। होकर वस्त्र विहीन परोसो, होकर वस्त्र विहीन परोसो, तब हम तीनों खाते हैं। भाव बंधन से मुक्त हुए जो चित्रकूट में आते हैं, भाव बंधन से मुक्त हुए जो चित्रकूट में आते हैं। ये चित्रकूट की धरती सबका कल्याण है करती, ये चित्रकूट की धरती सबका कल्याण है करती। प्रेमी जनों, तीनों योगियों की शर्त सुन के अनुसुईया जी असमंजस में पड़ गईं, सोचने लगी प्रभु इतनी कठिन परीक्षा मेरी किस लिए। अनुसुईया जी ने विचार किया, अतिथि भगवान का स्वरूप होता है, इन्हें निराश होके खाली हाथ वापस जाना पड़े तो यह बहुत बड़ा पाप होगा। धर्म यही कहता है कि द्वार पर आया हुआ याचक कभी खाली हाथ वापस नहीं जाना चाहिए। अनुसुईया जी ने असमंजस तोड़ा और ध्यान योग से देखा तो उन्हें यह माजरा समझ में आ गया। ये तो त्रिदेव हैं, शायद मेरे सतीत्व की परीक्षा लेने आए हैं। मन में विचार किया और उन्हें एक उपाय सूझा। लिया कमंडल में जल माने मंत्रों से अभिभूत किया, छिड़क दिया तीनों योगी पर अपना उन्हें सपूत किया। बालक बना दिया तीनों को, माने वस्त्र उतार दिया, गोद उठा के इन बच्चों को मैया ने मनुहार किया। माँ के हाथों तीनों बालक हो, माँ के हाथों तीनों बालक दूध भात अब खाते हैं। भाव बंधन से मुक्त हुए जो चित्रकूट में आते हैं, भाव बंधन से मुक्त हुए जो चित्रकूट में आते हैं। ये चित्रकूट की धरती सबका कल्याण है करती, सबका कल्याण करती। प्रेमी जनों, आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास, कहां तो ये त्रिदेव अनुसुईया माता की परीक्षा लेने आए थे, यहां अपने आप ही फंस गए।
माँ ने उन्हें पालने में डाल दिया, जहाँ तीनों देवता बालक बनके झूला झूलने लगे। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। देवलोक में उमा रमा ब्रह्माणी तीनों महाशक्तियां अपने पतियों को न पा करके घबरा गईं। इन देवियों को भी इस बात का गर्व था कि उनसे बड़ी सती तीनों लोकों में कोई नहीं है। नारद जी ने कहा, देवियों तुम्हारे पति लोग बालक बन के सती अनसुईया की कुटिया में झूला झूल रहे हैं, और तुम लोग चित्रकूट उनके आश्रम में जाओ और सती से निवेदन करके अपने पतियों को छुड़ाओ। आश्चर्य में डूबी हुई ये तीनों देवियां सती अनसुईया के आश्रम चित्रकूट आई। अपने पतियों की हालत देखकर उनका सारा गर्व समाप्त हो गया और उन्होंने सती अनसुईया से अपने पतियों को मुक्त कराने का बड़ी ही विनम्रता से निवेदन किया। सती अनसुईया मुस्कुराई और बोली, धन्य हुई मैं आज देवियों तुम सबका दर्शन पाके, जीवन सफल कर दिया तुमने पर्ण कुटी में आकर के। ना त्रिदेव आते मेरे घर ना तुम सब दर्शन देते, चलो पसारो आंचल देवी तुमको बाल सुमन देते। अनसुईया ने फिर जल छिड़का, अनसुईया ने फिर जल छिड़का, देव प्रकट हो जाते हैं, भाव बंधन से मुक्त हुए जो चित्रकूट में आते हैं, भाव बंधन से मुक्त हुए जो चित्रकूट में आते हैं। ये चित्रकूट की धरती सबका कल्याण है करती, ये चित्रकूट की धरती सबका कल्याण है करती। प्रेमी जनों, सती अनसुईया जी ने तीनों बालकों पर मंत्र पूरित जल छिड़का तो तीनों देव अपने असली रूप में प्रकट हो गए। को नमन, सती अनसुईया ने तीनों देवों को नमन किया, तब ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक साथ बोले, धन्य धन्य अनसुईया तेरा आज तपोबल देख लिए, तेरा सतीत्व देखने के हित हम योगी का भेष लिए। इतनी कठिन परीक्षा कोई कभी नहीं दे सकती है, कोई बर मांगो तुम देवी ये इच्छा हम सबकी है, जो मांगोगी वो हम देंगे, हो जो मांगोगी वो हम देंगे, हम ये वचन निभाते हैं। भाव बंधन से मुक्त हुए जो चित्रकूट में आते हैं, भाव बंधन से मुक्त हुए जो चित्रकूट में आते हैं। ये चित्रकूट की धरती सबका कल्याण है करती, ये चित्रकूट की धरती सबका कल्याण है करती। प्रेमी जनों, माता अनसुईया जी ने सबको शीश झुकाकर हृदय से नमन किया और बड़ी ही विनम्रता से श्रद्धा भाव से बोली, हे देवगण, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरी इच्छा पूरी कीजिए, जो मैं मांगूं वही वरदान दीजिए, तब मैं समझूंगी कि मेरी परीक्षा का उचित फल मुझे मिला। और माता अनसुईया ने विनम्र भाव से त्रिदेव से ये वरदान मांगा, तुम तीनों को पुत्र रूप में पाऊं ये वरदान मिले, मातृ सुखों से भर दो आंचल तब मुझको सम्मान मिले।
तीनों देव एक संग मिलके अनसुईया के लाल हुए। मुनि अत्रि तीनों देवों की माया देख निहाल हुए। अनसुईया के लाल जगत में हो, अनसुईया के लाल जगत में दत्तात्रेय कहलाते हैं। भाव बंधन से मुक्त हुए जो चित्रकूट में आते हैं, भाव बंधन से मुक्त हुए जो चित्रकूट में आते हैं। ये चित्रकूट की धरती सबका कल्याण है करती, ये चित्रकूट की धरती सबका कल्याण है करती। ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों देवता मिलके दत्तात्रेय हुए, जो आज संसार भर में पूजे जाते हैं। ऋषि दुर्भाषा और चंद्रमा भी अनसुईया के ही पुत्र हैं। राम वनवास के समय अनसुईया ने सीता जी को पतिव्रत धर्म के विषय में विस्तार से बताया था, जिसे गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में बड़े मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। अनसुईया के पद गही सीता, मिली बहोरी सुशील विनीता। ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, आशीष देई निकट बैठाई। दिव्य बसन भूषण पहिराए, जे नित नूतन अमल सुहाए। कह ऋषि वधु सरस मृदु वाणी, नारी धर्म कछु ब्याज वकानी। मातु पिता भ्राता हितकारी हो, मातु पिता भ्राता हितकारी, ये सब धर्म सिखाते हैं। भाव बंधन से मुक्त हुए जो चित्रकूट में आते हैं, भाव बंधन से मुक्त हुए जो चित्रकूट में आते हैं। ये चित्रकूट की धरती सबका कल्याण है करती, ये चित्रकूट की धरती सबका कल्याण है करती। सीता जी को इसी तरह से सती अनसुईया जी ने बहुत सारे उपदेश दिए। जगत में नारियां कितने प्रकार की होती हैं, जानकी जी को वो भी बताया। सोचिए, संसार की माया और छल कपट से दूर रहने वाली एक वनवासी ऋषि पत्नी को स्त्री धर्म का कितना ज्ञान था। इसे उस पर ईश्वर के कृपा और उसके तपोबल का फल ही समझिए। आगे अनसुईया जी सीता जी को कहती हैं कि सीता जी बड़े ध्यान से इन बातों को आप सुनिए। अमित दान भरता वैदेही, अधम सुनारी जो सेवन तेही। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपत काल परखिए चारी। वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। ऐसे हूँ पति कर किए अपमाना, नारी पाए जमपुर दुख नाना। एक ही धर्म एक व्रत ने मा हो, एक ही धर्म एक व्रत ने मा, मन की बात बताते हैं। भाव बंधन से मुक्त हुए जो चित्रकूट में आते हैं, भाव बंधन से मुक्त हुए जो चित्रकूट में आते हैं। ये चित्रकूट की धरती सबका कल्याण है करती, ये चित्रकूट की धरती सबका कल्याण है करती। प्रेमी जनों, भगवान श्री राम इस प्रकार चित्रकूट का भ्रमण करते करते महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में आए। वाल्मीकि को बड़ा आश्चर्य तब हुआ जब भगवान श्री राम ने वाल्मीकि जी से कहा कि मुझे निवास करने का स्थान बताओ। पार ब्रह्म परमेश्वर उनसे अपने निवास का स्थान पूछ रहा है, यह आश्चर्य की बात नहीं तो और क्या है। वाल्मीकि स्वयं मुस्कराते हैं और कहते हैं कि प्रभु,
पूछे हूँ मोही की रहूं कहाँ, मैं पूछत सकुचाऊं, जह न हो हूँ तह देहूं कहीं, तुम ही दिखावो। प्रभु ऐसी धरती पे कौन सी जगह है जहाँ आप नहीं। कह मुनि सुनहु भानुकुल नायक, आश्रम कहूँ समय सुखदायक, चित्रकूट गिरि करहु निवासु, तह तुम्हार सब भांति सुपासु। शैल सुहावन कानन चारु, करिके हरि मृग बिहग बिहारु, अत्रि आदि मुनि बर बहु बसही, करही जोग जप तप तन कसही। सबका सफल मनोरथ कीजे हो, सबका सफल मनोरथ कीजे, विनय आपसे करते हैं, भाव बंधन से मुक्त हुए जो चित्रकूट में आते हैं, भाव बंधन से मुक्त हुए जो चित्रकूट में आते हैं। ये चित्रकूट की धरती सबका कल्याण है करती, ये चित्रकूट की धरती सबका कल्याण है करती। इस तरह जब मुनि वाल्मीकि जी ने श्री राम जी को निवास स्थान के लिए चित्रकूट बताया तो श्री राम जी की प्रसन्नता अत्यधिक बढ़ गई। मुनि से विदा लेकर भगवान राम चित्रकूट पर्वत पर आए। कहा राम ने लक्ष्मण जी से, खोजो कहीं उचित स्थान, जहाँ निवास करें हम तीनों, शांत भाव से हो तप ध्यान। मंदाकिनी नदी से उत्तर एक सुरम्य मिला स्थान, यही जगह भाई रघुराई डेरा डाल दिए भगवान। सभी देवता कोल भील बन हो, सभी देवता कोल भील बन, पर्ण कुटीर बनाते हैं, भाव बंधन से मुक्त हुए जो चित्रकूट में आते हैं, भाव बंधन से मुक्त हुए जो चित्रकूट में आते हैं। ये चित्रकूट की धरती सबका कल्याण है करती, ये चित्रकूट की धरती सबका कल्याण है करती। भक्तजनों, देवताओं को जब पता लगा कि प्रभु श्री राम को ये जगह पसंद आई है तो कोल भील का रूप धारण करके श्री राम जी के लिए कुटिया बनाने आ गए। यहीं से प्रभु की नर लीला प्रारंभ हो गई। प्रभु राम ऋषियों मुनियों का दर्शन करते, सत्संग करते, फिर वापस पर्ण कुटी पर लौटते। राम से मिलने ऋषि मुनि और संत महात्मा प्रतिदिन आते, कोल भील कंद मूल फल लेकर आते। जब भरत राम को वापस लौटाने के लिए चित्रकूट आए तो साथ में 7 तीर्थों का जल भी लाए थे। सोचा था श्री राम को इसी से नहलाकर उनका राज तिलक कर दिया जाएगा, किंतु भगवान राम राजी नहीं हुए। उस जल को अत्रि मुनि ने एक कूप में स्थापित करवा दिया, जो जगह भरत कूप के नाम से जाना जाता है। इसके जल से स्नान करने पर 7 तीर्थों का पुण्य मिलता है। यहीं पास में भरत जी का एक मंदिर है। आइए हम सब लोग मिलकर के भरत कूप को सादर प्रणाम करते हैं। बंधु भरत सा भाई जग में बड़े भाग्य से मिलता है, राज सुखों का मोहन जिसको राम जपे सुख मिलता है। भरत कूप उन भरत लाल की पावनता का है परिणाम, 7 तीर्थों का जल इसमें यहाँ विराजे 7 धाम। इस जल से स्नान करे जो,
इस जल से स्नान करे जो वो सारे सुख पाते हैं। भाव बंधन से मुक्त हुए जो चित्रकूट में आते हैं। भाव बंधन से मुक्त हुए जो चित्रकूट में आते हैं। ये चित्रकूट की धरती सबका कल्याण है करती। ये चित्रकूट की धरती सबका कल्याण है करती। प्रेमी जनों, चित्रकूट आने पर भरतकूप का दर्शन अवश्य कीजिए। इसके जल से स्नान करके जीवन को धन्य बनाइए। जीवन की हर बाधा को, हर कष्टों को दूर कीजिए और सभी सुखों को प्राप्त कीजिए। भगवान श्री राम के प्रिय भाई भरत जी को जो नर नारी सम्मान देते हैं, उस प्राणी पर भगवान श्री राम की कृपा बरसती है। सीता जी की रसोई चलते हैं, सीता जी की रसोई हनुमान धारा के उसी पर्वत में है जहां सीता मैया नित्य प्रभु श्री राम के लिए भोजन बनाया करती थीं। कंकड़ पत्थर जोड़ सिया ने चूल्हा एक बनाया था, घास फूस लकड़ी से माने ईंधन यहाँ जलाया था। इसी रसोई में सीता ने 56 भोग बनाया था, वनवासी श्री राम लखन ने रुचि रुचि भोग लगाया था। राजमहल के भोजन से प्रभु, राजमहल के भोजन से प्रभु यहाँ अधिक सुख पाते हैं। भाव बंधन से मुक्त हुए जो चित्रकूट में आते हैं। भाव बंधन से मुक्त हुए जो चित्रकूट में आते हैं। ये चित्रकूट की धरती सबका कल्याण है करती। ये चित्रकूट की धरती सबका कल्याण है करती। प्रेमी जनों, भक्त जनों, सीता रसोई के दर्शन से माता अन्नपूर्णा प्रसन्न होती हैं। मनुष्य को जीवन में खाने के लाले नहीं पड़ते, उसके घर में अन्न देवता हमेशा विराजमान रहते हैं। जहां अन्न देवता रहते हैं वहां धन की कमी नहीं होती। भक्तजनों, चित्रकूट कथा को आगे बढ़ाते हुए हम सब अब राघव प्रयाग की ओर चलते हैं। राघव प्रयाग की कथा बड़ी ही सुंदर और बड़ी ही रोचक है। रामचंद्र ने तीर्थों का जब नृप प्रयाग को बनवाया, उस दिन से प्रयाग के मन में भारी अहंकार आया। एक दिन वो नारद से बोला, मुनिवर अब मैं राजा हूँ, सारे तीर्थ हमारे अंदर, मैं सबका महाराजा हूँ। अहंकार प्रयाग का सुन के हो, अहंकार प्रयाग का सुन के नारद मुनि मुस्काते हैं। भाव बंधन से मुक्त हुए जो चित्रकूट में आते हैं। भाव बंधन से मुक्त हुए जो चित्रकूट में आते हैं। ये चित्रकूट की धरती सबका कल्याण है करती। ये चित्रकूट की धरती सबका कल्याण है करती। प्रेमी जनों, प्रयाग ने नारद जी से उनके मुस्कुराने का कारण पूछा। नारद जी ने कहा, प्रयागराज तुम सब तीर्थों के राजा अवश्य हो, परंतु चित्रकूट के नहीं। प्रयागराज को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा, मुनिवर, चित्रकूट क्या मुझसे बड़ा तीर्थ है? नारद जी ने उत्तर दिया, इसका जवाब भगवान श्री राम से जाकर पूछो, वही तुम्हें इसकी सत्यता बताएंगे। प्रयागराज ने चित्रकूट जाकर जब भगवान श्री राम से इसका उत्तर जानना चाहा, तो भगवान राम ने कहा,
प्रयागराज, तुम सब तीर्थों के राजा अवश्य हो, परंतु मेरे घर के नहीं। अब यहां देखिए, विष्णु अवतारी भगवान श्री राम एक बार विष्णु रूप में सती अनुसुईया के पास चित्रकूट आ चुके और दूसरी बार राम के रूप में। राम जी ने इसे अपना घर कहा, इसलिए इसकी महिमा महान है। इसके दर्शन से सुख संपत्ति भक्ति शक्ति सब प्राप्त होती है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, तब से इसका नाम राघव प्रयाग पड़ा। प्रेमी जनों, कथा को आगे बढ़ाते हुए गुप्त गोदावरी चलते हैं। गुप्त गोदावरी की महिमा बड़ी महान है। इनके जल से सभी प्राणी के समस्त पाप धुल जाते हैं। इसी गुफा में रामचंद्र जी निज दरबार लगाते थे, संत महंत तपस्वी सारे सब सत्संग में आते थे। गोदावरी बहन गंगा की गुप्त रूप से आती हैं, इनके जल का स्रोत कहाँ है दुनिया समझ न पाती है। इनके दर्शन से प्राणी के हो, इनके दर्शन से प्राणी के सभी पाप धुल जाते हैं। भव बंधन से मुक्त हुए जो चित्रकूट में आते हैं, भव बंधन से मुक्त हुए जो चित्रकूट में आते हैं। ये चित्रकूट की धरती सबका कल्याण है करती, ये चित्रकूट की धरती सबका कल्याण है करती। प्रेमी जनों, कहते हैं कि गोदावरी नदी गुप्त रूप से नासिक से चलते हुए चित्रकूट की धरती पर भगवान श्री राम के चरण प्रक्षालन हेतु पधारी। ये कितनी पावन गुफा है जहां स्वयं श्री राम जी दरबार लगाया करते थे। उन्हें शीतलता प्रदान करने के लिए माँ गोदावरी वहीं से बहती रही। आज भी ये जगह देखकर मन बड़ा प्रसन्न हो जाता है। भगवान श्री राम के चरणों में व्यक्ति का मन स्वयं ही रम जाता है। ऐसी महान गुप्त गोदावरी की पावन गुफा और पावन जलधारा को हम आप सभी भक्तों के साथ सभी ने प्रणाम करते हैं। आइए यात्रा को आगे बढ़ाते हुए हम हनुमान धारा की ओर प्रस्थान करते हैं। यह स्थान रामघाट से 4 किलोमीटर के दूरी पर है। ऊपर जाने के लिए 360 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। लंका दहन के पश्चात तीव्र अग्नि ऊष्मा से क्लांत श्री हनुमान जी ने भगवान श्री राम से निवेदन किया था, हे राघवेंद्र, मेरे समस्त शरीर में अग्नि ऊष्मा की विदग्धता व्याप्त है, इसके शमनार्थ कृपया कोई युक्ति बताएं। तब भक्त प्रवर श्री राम ने हनुमान जी से कहा था, आप चित्रकूट पर्वत जाइए, वहां आपके ऊपर अमृत तुल्य शीतल स्निग्ध जलधारा गिरेगी, इससे आपके शरीर में व्याप्त बन्ही दहन ऊष्मा का शमन होगा। भक्तों, आज भी श्री हनुमान जी की बाम भुजा पर अविरल जलधारा प्रवाहित होती रहती है। यही बगल में पंचमुखी हनुमान धारा है, जहां पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति विराजमान है। ऐसी पावन दिव्य हनुमान धारा को और श्री हनुमान जी को सादर प्रणाम करते हुए हम सब राम शैया का दर्शन करने के लिए चलते हैं। पत्थर की चटिया पर प्रभु जी सीता संग विश्राम किए, धनुष बीच में रख कर सोए व्रतधारी का काम किए। साढ़े 11 वर्ष राम जी चित्रकूट में काट दिए, बनवासी का नियम धर्म व्रत सारे जग में बांट दिए।
मानव शिक्षा ग्रहण करो तुम हो, मानव शिक्षा ग्रहण करो, प्रभु करके कर्म दिखाते हैं। भाव बंधन से मुक्त हुए जो चित्रकूट में आते हैं, भाव बंधन से मुक्त हुए जो चित्रकूट में आते हैं। ये चित्रकूट की धरती सबका कल्याण है करती, ये चित्रकूट की धरती सबका कल्याण है करती। प्रेमी जनों, इसे कहते हैं त्याग और बलिदान। तीर्थ यात्रा हो या यज्ञ अनुष्ठान, हमेशा नियम संयम का पालन करना चाहिए। राम शैया एक विशाल पाषाण की शिला है, जिस पर प्रभु श्री राम और माँ जानकी के लेटने के निशान चिन्हित हैं। बीच में भगवान का धनुष का चिन्ह दिखाई देता है। पत्नी के साथ रह के भी प्रभु पत्नी से दूर थे। प्राणी को ये दृश्य देखकर शिक्षा लेनी चाहिए। प्रेमी जनों, चित्रकूट की पावन धरती पर भगवान श्री राम के चरणों के चिन्हों का दर्शन करते हैं। कामदगिरि परिक्रमा मार्ग पर भरत मिलाप का बड़ा ही सुंदर दृश्य दिखाई देता है, जहां पर भगवान श्री राम और भाई भरत के चरणों के चिन्ह आज भी भक्तों को देखने के लिए प्राप्त होते हैं। स्फटिक शिला और जानकी कुंड पर भी चरणों के चिन्ह हैं। ये बनावटी नहीं है, इन्हें देखकर लगता है कि ये लाखों वर्ष पुराने हैं। धन्य भाग्य उनके होते हैं जो इन चरण चिन्हों के दर्शन करते हैं। ना जाने कितने जन्मों का पुण्य उदय होता है, तब जाके मनुष्य को चित्रकूट की पावन धरती पर भगवान के चरण चिन्हों के दर्शन प्राप्त होते हैं। आइए स्फटिक शिला का दर्शन करते हैं। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीता ही पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। सुरपति सुत धरि बायस भेखा, सठ चाहत रघुपति बल देखा, जिम पिपीलिका सागर था, महामंद मति पावन चाहा। सीता चरण चोच हति भागा हो, सीता चरण चोच हति भागा, कहीं शरण ना पाते हैं। भव बंधन से मुक्त हुए जो चित्रकूट में आते हैं, भव बंधन से मुक्त हुए जो चित्रकूट में आते हैं। ये चित्रकूट की धरती सबका कल्याण है करती, ये चित्रकूट की धरती सबका कल्याण है करती। तीनों लोकों में इंद्रपुत्र जयंत विचरण करता रहा, किसी ने उसे शरण नहीं दिया। अंत में जब वो भगवान के शरणागत होता है, तब जाकर के उसको मुक्ति मिलती है। भक्तजनों, चित्रकूट में गुप्त कान्हरा मुखारबिंद कामदगिरि भगवान का, जानकी कुंड, मंदाकिनी घाट, सीतापुरी, केशव घाट, प्रमोद वन, सिरसावन, कैलाश पर्वत जो भगवान शिव के कैलाश की याद दिलाता है, राम घाट, घृतकुल्य घाट, सभी तीर्थ दर्शनीय हैं। राम घाट की भव्य आरती का क्या कहना, मंदाकिनी के उस पार वनवासी भगवान श्री राम जी का मंदिर है, बड़ा ही मनोहर है। जगत गुरु श्रद्धे श्री राम भद्राचार्य महाराज जी का बड़ा ही सुंदर कांच मंदिर है, जो अत्यंत सुंदर है, जहां पर सरकार तुलसी बाबा के साथ विराजमान है। कामदगिरि परिक्रमा मार्ग पर आज भी गोस्वामी तुलसीदास के हाथ का लगाया एक पीपल का वृक्ष विराजमान। वहीं सामने लक्ष्मण पहाड़ी है, लक्ष्मण जी इसी पहाड़ी पर बैठ के सारी रात जागते थे और कामदगिरि पर
भगवान श्री राम और सीता माँ की सुरक्षा में पहरा देते थे। मैथिली शरण गुप्त की ये पंक्तियां, पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, जाग रहा है कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। आइए भगवान कामतानाथ के दर्शन करके उनकी परिक्रमा के बारे में कुछ बातें जाने समझें। कामदगिरि के उच्च शिखर पे प्रभु राम का डेरा था, वनवासी श्री रामचंद्र का सीता संग बसेरा था। कामदगिरि की परिक्रमा से भाव बंधन कट जाता है, प्रभु राम की महिमा बरसे जीव सुखी हो जाता है। पाप शाप अपराध मनुज के हो, पाप शाप अपराध मनुज के सभी यहाँ मिट जाते हैं, भाव बंधन से मुक्त हुए जो चित्रकूट में आते हैं, भाव बंधन से मुक्त हुए जो चित्रकूट में आते हैं। ये चित्रकूट की धरती सबका कल्याण है करती, ये चित्रकूट की धरती सबका कल्याण है करती। प्रेमी जनों भगवान कामतानाथ की प्रार्थना करते हैं, कामदगिरि भे राम प्रसादा, अवलोकत अपहरत विषादा। यहाँ कामतानाथ जी का मंदिर है, चार द्वार हैं, भक्तगण किसी भी द्वार को प्रणाम करके परिक्रमा आरंभ करते हैं, ज्यादातर मुख्य द्वार का दर्शन करके ही परिक्रमा प्रारंभ करते हैं। कहते हैं अमावस्या की परिक्रमा मनुष्य को मन चाहा फल देती है, दीपावली के अवसर पर बड़ा विशाल मेला होता है, लाखों भक्त भगवान कामतानाथ की परिक्रमा कर अपने अपने मन चाहे फल को प्राप्त करते हैं। ज्ञानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणां पदे पदे। ये सारी चीजें त्रेता युग की हैं, जो कलयुग में आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान हैं। आइए राम घाट चलते हैं, जहां पर आज से 500 साल पहले गोस्वामी तुलसीदास जी को प्रभु श्री राम के दर्शन हुए थे। राम घाट मंदाकिनी तट पे यहाँ सभी स्नान करें, घर गृहस्थ और साधु संत सब यहाँ प्रभु का ध्यान करें। किसी जगह पर तुलसी बाबा अपना ठाँव बनाए थे, मन की निर्मलता तप बल पे प्रभु का दर्शन पाए थे। आँखों देखा हाल यहाँ के हो, आँखों देखा हाल यहाँ के कण कण आज बताते हैं, भाव बंधन से मुक्त हुए जो चित्रकूट में आते हैं, भाव बंधन से मुक्त हुए जो चित्रकूट में आते हैं। ये चित्रकूट की धरती सबका कल्याण है करती, ये चित्रकूट की धरती सबका कल्याण है करती। प्रेमी जनों चित्रकूट की महिमा कहें और रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास जी को जन्मस्थली का जिक्र न करें तो अधूरा लगता है। एक समय ऐसा आया कि स्वयं तुलसी बाबा ने लिखा विनय पत्रिका में कि अब चित चेत चित्रकूट ही चलू, संत शिरोमणि महाकवि तुलसीदास जी का जन्म
आज से 500 साल पहले चित्रकूट जनपद के राजापुर गांव में जो यमुना नदी के पावन तट पर स्थित है वहीं पर हुआ। 1554 विषय कालिंदी के तीर श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरो शरीर। तुलसीदास जी की माँ का नाम हुलसी और पिता का नाम श्री आत्माराम दुबे था। राजापुर गांव में तुलसीदास जी का काफी समय व्यतीत हुआ। यहीं यमुना नदी के उस पार बद्रिका गांव जो महेवा घाट स्थित है वहां के पंडित दीनानाथ पाठक की बेटी रत्नावली से तुलसीदास जी का विवाह हुआ। रत्नावली एक पढ़ी लिखी विदुषी महिला थी। गोस्वामी जी को नरहरिदास के रूप में प्रथम गुरु मिले जिन्होंने इनका पालन पोषण पढ़ाई लिखाई करवाया और कामतगिर परिक्रमा मार्ग पर स्थित सूकर क्षेत्र में इन्हें राम कथा सुनाई। भरद्वाज ऋषि काकभुसुंडी तुलसी को वरदान दिए, पार्वती संग भोले शंकर रामचरित का ज्ञान दिए। राम भक्त हनुमान हमेशा इनको मार्ग दिखाते थे, तुलसीदास लिखे रामायण सबको स्वयं सुनाते थे। रघुनंदन की कृपा से तुलसी हो, रघुनंदन की कृपा से तुलसी गोस्वामी कहलाते हैं। भाव बंधन से मुक्त हुए जो चित्रकूट में आते हैं, भाव बंधन से मुक्त हुए जो चित्रकूट में आते हैं। ये चित्रकूट की धरती सबका कल्याण है करती, ये चित्रकूट की धरती सबका कल्याण है करती। तुलसीदास जी के जन्म स्थान राजापुर में नादिन के हनुमान जी जहां तुलसीदास जी नित्य दर्शन के लिए जाते थे, वहीं श्री संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर जहां बाबा नित्य दर्शन करते थे, वहीं से गोस्वामी जी काशी विश्वनाथ आए। जहां के संकट मोचन हनुमान मंदिर में श्री हनुमान जी ने कहा कि तुलसी जी आप चित्रकूट जाओ जहां प्रभु श्री राम के दर्शन आपको मिलेंगे। फिर क्या कहना था भक्तजनों, बाबा उसी राम घाट पर आ गए और चित्रकूट के घाट पर भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। भगवान श्री राम को तुलसी बाबा ने घिस करके चंदन लगाया और अपने जीवन को धन्य किया। प्रेमी जनों, इच्छाकु वंश में जन्मे भगवान श्री राम ने एक ओर अयोध्या को अपनाया तो दूसरी ओर चित्रकूट को। यही दोनों स्थल उत्तर और दक्षिण भारत के सेतु बने। यहीं रहकर राम ने अनेक नरलीलाएं की। चित्रकूट राम की नित्य क्रीड़ा भूमि है। वे न कभी चित्रकूट को छोड़ते हैं और न कभी अयोध्या को। ऋषि मुनियों का जितना बड़ा सम्मान चित्रकूट में था उतना कहीं न था। जिसके संचालक महर्षि अत्रि थे, मंदाकिनी भी अत्रि प्रिया की तपस्या के फल का परिणाम है। ऐसी परम पुनीत पावन धरती को हम भजन गायक प्रेम प्रकाश दुबे बारंबार प्रणाम करते हैं। आप सबको यह चित्रकूट की कथा जो हमसे बन पड़ा हमने सुनाया और अंबे कैसेट कंपनी के माध्यम से आप तक पहुंचाई जा रही है यह चित्रकूट की कथा। बोलिए श्री चित्रकूट धाम की, बोलिए चित्रकूट के चारों धाम की, बोलिए कामतानाथ भगवान की, बोलिए यहाँ विराजे सभी साधु संतों की।